सो हेलो दोस्तों, आ चुके हैं कमाल का वीडियो एडिटिंग में। तो दोस्तों आज का वीडियो में जानेंगे इस तरह का वीडियो कैसे बना सकते हो। तो वीडियो कमाल का होने वाला है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर ले। तो दोस्तों बनाने के लिए जो इस वाले प्रोजेक्ट आपको लिंक मिलेगा, ये वाला प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि आपको करना क्या है। इस वाले प्रोजेक्ट में आपको सीधा सी आपको पीक इनपुट करना, तो जिसे बना लेते हैं आपको सॉन्ग ऐड नहीं करना। सॉन्ग आपको टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहाँ से डाउनलोडिंग करके ऐड करना है। तो इसमें आपको शो नहीं करेगा, इसीलिए आपको सॉन्ग ऐड करना। फिर यहाँ पर आपको 9:16 का मतलब BKT 9:16 साइज का पीक इंपोर्ट करने का है। इस पर टैप करना है, कलर फील्ड पर जाना, उसके बाद इसको जो है पीक इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर ज़्यादा हम डिटेल में जानेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना वीडियो, आप लोग देखते नहीं हैं, इसलिए हम शॉर्ट कट में जाते हैं। इसको एक पिक को सेलेक्ट कर लेते हैं जो कि NSP पिक्चर का पिक सेलेक्ट कर लिया। तो ये इस तरह से हो गया, तो ये हो गया। सेकेंड में आते हैं, सेकेंड में आपको ये क्या करा है, तो देखिए इस तरह से मतलब बिलिंग होगा जो फोटो ऐड कीजिएगा। तो ये फोटो मेरा ये डबल जो बीट है 10.2 सेकेंड तक, तो डबल जो बीट यहाँ से स्टार्ट होगा आपका 7.19 सेकेंड तक। उसके बाद यहाँ पे ये आपको 10 सेकेंड तक रहेगा डबल बीट। तो यहाँ से हम सेमी पी को इंपोर्ट करेंगे। इस पर टाइप कर देख सकते हो सेमी पी को मैं इसमें इंपोर्ट किया हूँ। तो यहाँ से डबल बीट चालू हुआ, तो यहाँ से अलग पीक ये इंपोर्ट किया, तो फिर यहाँ डबल बीट चालू हुआ, फिर अलग इसमें पीक ऐड किया। इस तरह से ऐड करना तो कर लेते हैं हम। तो इस पर टाइप करते हैं, कलर फील्ड पर जाते हैं, स्टार ऑप्शन पर जाते हैं, और ये NSP पिक्चर का पीक जो है इंपोर्ट कर लेना है। एक ही पिक को जो यहाँ तक डबल बीट है वहाँ से इंपोर्ट कर लेना। तो इस तरह से हम कर लेते हैं, हो गया है, कंप्लीट होने वाला है। तो इसमें एक लास्ट बचा है, तो ओके डन, ये कंप्लीट हो गया। सबसे सेकंड जो बीट यहाँ से चालू हो रहा है इस पर टैप कर रहे हैं, उसके बाद कलर फील्ड पर जाना है, स्टार पर जाना, फिर सेकेंड आपको पिक इंपोर्ट करना है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं इसमें, तो कर लेना है। तो इसमें बाद यहाँ से भी आपको डबल बीट चालू होगा यहाँ से 12.15 सेकेंड तक, फिर से यहाँ से आपको जो है लास्ट तक कर लेना है। तो बाकी तीन पीक यूज कीजिएगा, इस वाले में तीन डबल बीट था तो तीन पीक यूज किए हैं। तो देखिए कमाल का वीडियो इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद जो है आपको पहले करना क्या होगा, तो पहले आपको एक और प्रोजेक्ट मिलेगा जो कि आपको HDR वाला प्रोजेक्ट मिलेगा। तो उसके लिए इस पर टैप कर लेना, उसके बाद यहाँ पर पहले सारे पीक को आपको 9:2 में बना लेना है, तो तब आपको वर्क करेगा। तो 9:2 में इस तरह से बना लीजिएगा, तब वर्क करेगा। तो इस तरह HDR में, तो उसका सेव करके मतलब शेयर करके इस पे जाके सेव कर लेना। तो सेव कर लीजिएगा तो आपका जो HDR में सारा पिक जो है तीन या चार पिक को HDR में बना लीजिएगा, तो इस तरह से बन जाएगा। तो बन जाने के बाद सारे में आपको इस तरह से इंपोर्ट कर लेना है। तो इंपोर्ट करने के बाद जो है आपको देख सकते हो इंपोर्ट इसमें कर लेना। तो हम फिलहाल HDR बनाए एक अभी, तो इसको इस कलर फील्ड पर जाके HDR पिक कहाँ है और ये वाला बन गया इस तरह से, तो इस तरह से लगा लेंगे। तो इस तरह से HDR बन गया। तो इस तरह से आपको सारे मतलब जितना तीन पिक मैंने चार पिक इसमें यूज हुआ इस वाले वीडियो में, तो HDR लगा लें। अदरवाइज HDR ऐसे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। HDR जैसे होता है इफेक्ट जो है HDR वाला, फिलहाल के लिए जैसे मान लेते इसका जो लेयर है सारे को कॉपी करते हैं एक छोड़ के, और इसके बाद कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद जो है इसमें जाते हैं और इसमें फिर से पेस्ट कर देते हैं। तो देख सकते हो इस तरह से HDR लग जाएगा। इस तरह को बहुत काला ब्लैक कर देता है ये HDR, दिक्कत ये है। तो अदरवाइज उसमें अगर सेलेक्ट करके करोगे तो HDR ब्लैक कम करेगा, तो आप में अच्छी तरीके से वर्क करेगा। तो आज का वीडियो कमाल का लगा तो एकदम शेयर करके एक्सप्लोर कर लेना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे कमाल का वीडियो में। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना। बाय।